हेलो दोस्तों, आज हमने हमारे बेटे के जन्मदिन पर बनाए बहुत ही मज़ेदार मावा गुलाब जामुन बिना किसी तामझाम के बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, गुलाब जामुन बनाने से पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमें कोई बड़ा सा बर्तन लेना होगा। हमने कढ़ाई ली है, यहाँ पर आप कोई बड़ा सा पैन भी ले सकते हैं। कढ़ाई में हम 1 किलो के करीब चीनी डाल रहे हैं। दोस्तों, चीनी अभी आपको ज़्यादा लग रही होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुलाब जामुन भी हम ज़्यादा ही बना रहे हैं, तो चीनी भी हम उसी हिसाब से ले रहे हैं। दोस्तों, जिस बर्तन से हमने 1 किलो चीनी ली है ना, उसी बर्तन से हम पानी भी ले रहे हैं। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए हमें जितनी चीनी लेनी होती है, उतना ही हमें पानी लेना होता है। मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और चीनी को तेज आंच पर मेल्ट होने देंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मावा के गुलाब जामुन ना खाना तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, पर बनाना सबको इतना ज़्यादा कठिन होता है। सभी को बस यही लगता है कि अरे, मावा के गुलाब जामुन घर पर कैसे बनेंगे, पर ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार में ही मावा के गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक बार में ही बनाकर तैयार कर पाएंगे। चाशनी हमारी अच्छी तरह से उबलने लगी है। अगर आपको लगता है कि आपकी चाशनी गंदी है, तो थोड़ा सा दूध डालकर इसे साफ कर लीजिए। हमें हमारी चाशनी साफ लग रही थी, तो हमने दूध नहीं डाला है। यहीं पर हम 3 से 4 इलायची का मुंह खोलकर इसे चाशनी के अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने से ना चाशनी के अंदर इलायची का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। गुलाब जामुन के लिए हमें यहाँ पर कोई तार वार वाली चाशनी नहीं बनानी होती है। बस चीनी मेल्ट होने के बाद 5 से 6 मिनट तक इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, बस हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। या फिर हम जब इस तरह से हाथों से इसे छुएंगे ना, तो यह बिल्कुल तेल जैसा चिपचिपा लगेगा, और देखिए कोई तार वार यहाँ नहीं बन रहा है। चाशनी को उबलते हुए भी लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसे यहीं पर छोड़ देंगे और गुलाब जामुन बनाने के लिए मावा को तैयार करेंगे। इधर हमने एक बड़ी सी थाली ली है और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब खोया लिया है। इस तरह का खोया आप घर पर भी दूध से बना सकते हैं और यह बाज़ार में भी आसानी से मिल जाता है। मावे को हम थाली में डाल देंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से चिकना करेंगे। हमने भी ना यह मावा बाजार से ही मंगाया हुआ है। यह जो भी थोड़ा बहुत सूखा हुआ होगा ना, तो इस तरह से रगड़ने से यह बिल्कुल स्मूथ और चिकना होकर तैयार हो जाएगा। देखिए, जब यह इस तरह से बढ़िया चिकना हो जाए ना, तब हम इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा को ऐड करेंगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट कि हमें कितने मावे में कितना मैदा ऐड करना है। दोस्तों, हमने यहाँ 500 ग्राम मावा लिया है, तो इसमें हम 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक मैदा ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर हम इसे बिल्कुल आटे के जैसा गूंथकर तैयार करेंगे। मैदा डालने के बाद आपको अगर लगे कि यह थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़े से पानी या फिर थोड़े से दूध के छींटे आप लगा सकते हैं, इससे बैलेंस हो जाएगा। गुलाब जामुन अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने, तो हलवाई लोग ना इसके लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, पर बेकिंग पाउडर ना सभी के यहाँ नहीं होता है, तो मैं बेकिंग पाउडर की जगह पर 1 पिंच खाने का सोडा डाल रही हूँ। इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अगर आप बेकिंग पाउडर डालें, तो वो आप आधा चम्मच डाल सकते हैं। सोडे को हम मावे के अंदर अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स करेंगे और चिकना डो बनाकर तैयार करेंगे। अभी डो हमारा बिल्कुल चिकना स्मूथ बनकर रेडी हो गया है। इसे ढककर हम कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए यहीं पर छोड़ देंगे, फिर गुलाब जामुन बनाना चालू करेंगे। अभी इसे रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जितने बड़े या छोटे साइज के गुलाब जामुन चाहिए होंगे ना, उसी हिसाब से हम लोइयां तोड़ लेंगे। एक साथ लोइयां काटने से ना सभी गुलाब जामुन एक साइज के बराबर बनकर तैयार होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाथों में एक लोई लेंगे और इसको बढ़िया दबाते हुए बिल्कुल गोल गोल और चिकनी बॉल बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से है ना, बिल्कुल गोल। इसे थाली में रख देंगे और आपको एक और बनाकर दिखा रहे हैं। दोस्तों, इन्हें हाथों से दबाते हुए हमें चिकना इसलिए बनाना होता है, अगर इसमें ज़रा सी भी दरारें रह गई ना, तो तेल में बिखरने का डर रहता है। देखिए, यह भी परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यह लीजिए, हमारे सभी गुलाब जामुन बॉल्स बनकर रेडी हैं। तो यह बिल्कुल एक समान है, इसमें कोई भी दरारें नहीं हैं और यह बिल्कुल स्मूथ और चिकनी बॉल्स बनाकर हमने तैयार की हैं।
तो अब बारी आती है इनको तलने की। इधर हमने चाशनी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था और कढ़ाई को साफ करके हमने तेल को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। गुलाब जामुन को तलने के लिए ना तेल हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा डालकर तेल का टेम्परेचर चेक करेंगे। देखिए टुकड़ा डालने के बाद यह एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है, बस इतना ही गर्म तेल हमें चाहिए। एक एक करके हम 7 से 8 ही पीस डालेंगे, एक साथ हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। डालने के बाद हल्के हाथों से इन्हें हिलाते रहेंगे, नहीं तो यह तली से बहुत ही जल्दी चिपकने लगते हैं। दोस्तों जब भी हमारे यहाँ बाज़ार से गुलाब जामुन आते हैं ना, तो कोई एक से ऊपर खाना पसंद नहीं करता है, पर जब हम इस तरह से घर पर बनाते हैं ना, तो 4 से 5 पीस से कम तो कोई खाता ही नहीं है। 2 से 3 मिनट धीमी आँच पर पकने के बाद लगे कि इनकी ऊपर की परत हल्की सी पक गई है, तो ज़रूरत के हिसाब से गैस का फ्लेम बढ़ा लेंगे और इन्हें बराबर चलाते हुए बढ़िया सा कलर आने तक सेक लेंगे। कलर आप अपनी पसंद से हल्का लाइट या फिर डार्क कर सकते हैं। देखिए इस बैच को हमने थोड़ा सा डार्क कलर का सेक कर तैयार किया है। इन्हें निकाल लेते हैं, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं और यह कहीं से भी टूटे फटे बिल्कुल भी नहीं हैं। इन्हें गर्मा गर्म चाशनी में डाल लेते हैं। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो चाशनी को आप दोबारा से इसी टाइम गर्म कर सकते हैं और इसी तरह से दूसरा बैच भी बना लेते हैं। दोस्तों आपसे हमारी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से दीजिएगा। अभी हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए इसे हमने हल्के लाइट कलर का बनाकर तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से आप लाइट और डार्क दोनों कलर के रसगुल्ले अपने घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे भी हम गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे और इसी तरह से हम सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। दोस्तों गुलाब जामुन बने हुए अभी 10 मिनट ही हुए हैं, चाशनी इनके अंदर पूरी तरह से भर गई है। एक पीस मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, देखिए यह अंदर से कितना जूसी है। तो आप भी इसे इसी तरह से अपने घर पर बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।